अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। हमारे हाल पे हंस रहे हो? नहीं, तुम्हारे सवाल पर हंस रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अल्लाह के नाम पर अपनी दौलत किसी को दे दे? ये न कहो, इस दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं। ऐसा कौन है वो? गुलों की जान या रूहे चमन तशरीफ लाते हैं, सकी हातिम शहंशाह यमन तशरीफ लाते हैं। हातिम ताई, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये है अल्लाह का बंदा। बोलो सखी हातिम, सखी हातिम। ये इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आती है? माँ, ये माल है खुदा का, बंदों को दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। कौन हो तुम? पागल, दीवाना। अल्लाह दे और बंदा ले, एक तुम रह गए थे, ये तुम ले लो। ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए। मुनीर शामी के महल ऐसी दौलत से भरे पड़े। तो तुम आप मुल्के शाम के वलियत मुनीर शामी हो? कभी था, लेकिन आज एक फकीर। आखिर तुम अपनी जिंदगी से इतने बेजार क्यों हो? क्या तुम्हारी इस दौलत से सच्चा प्यार मिल सकता है? नहीं। तो फिर किस काम की है दौलत? इससे कई गुना ज्यादा दौलत तो मेरे पास है। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मेरी महबूबा। तो क्या तुम्हारी महबूबा बेवफा निकली? बेवफा? दिल की आग आंसुओं से नहीं बुझती। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारी महबूबा जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे पास भी मेरे दुख का कोई इलाज? ठहरो, ऐसा ना कहो। बाखुदा, मैं तुम्हारे हर गम को अपने सीने में छुपा लूंगा। तो फिर आओ मेरे साथ, वहीं चलकर सुनाऊंगा मैं अपनी दास्तान तुमको। जहां से इब्तिदा की थी वहीं पर इंतहा कर दी। यही है वो जगह जहां से मेरी मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई। तो फिर तुम पर क्या क्या गुजरी? सुनना चाहते हो? तो फिर सुनो। एक दिन मैं शिकार पर निकला। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया, हिरन ऐसा भागा कि नजरों से गायब हो गया। एक दिल एक हंसी की आवाज कानों में आई। बहुत सी लड़कियों की हंसी सुनाई पड़ी। किस प्यार से देखा पानी, पानी शर्मा के हुआ जाता है पानी पानी। कौन है तुम? गुस्सा बदतमी यहाँ की हिम्मत कैसे हुई? मलिका हुसन, इतना ना डांटिए।
गुलाम का दिल बहुत कमजोर है। चल गया यहाँ से। जो इरशाद, लीजिए हम मुंह फेर लेते हैं और जीने की दुआ देते हैं। क्या हुआ? वो देखो। चला। अजनबी, शाह बजुर्ग की बेटी अपने किए भी बहुत शर्मिंदा है। अब सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भुला सकती। एहसान की कोई बात नहीं, हमने अपना फर्ज अदा किया। हमारे मुहसिन का नाम शहजादा मुनीर शामी, लेकिन अब आपका खादिम। नहीं नहीं, ऐसा कहकर कनीज को ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। कनीज? नहीं नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी। किस नाम से पुकारे? शबीना। शबीना, कितना प्यारा नाम। शहजादे, क्यों ना इसी वक्त तुम्हारे अब्बा हुजूर से शादी की बात करें? शादी? नहीं, नहीं। शबीना, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं। शबीना, शबीना, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। शबीना, क्यों नहीं हो सकती? तुम जानते नहीं शहजादी, ये शादी नहीं हो सकती। भूल जाओ मुझे। इस तरह शबीना मुझे छोड़कर चले गए। मैं जिंदगी से मायूस हो गया। लोग मुझे पत्थर मारने लगे। किसी ने मुझे पागल कहा, किसी ने दीवाना। बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी, लेकिन तुम शबीना के वालिद से क्यों नहीं मिले? शादी का पैगाम भेजा मगर इनकार हुआ, तो फिर मैं खुद गया।
तो ऐसी मजबूरी बताई। मजबूरी? कैसी मजबूरी? जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ शामी बाग। मैं तैयार हूँ। मैं भी ताबेदार हूँ। नहीं हाँ? आप अकेले। उमरो मैं अकेला ही जाऊंगा। आका मैं आपको खुदा के अभी अकेले जाने नहीं दूंगा। अल्लाह दे और बदला ले। आका मैं बड़े काम का आदमी हूँ। हम शाह पर खुश से मिलने आए हैं। जाओ खबर कर दो। भैया मुनीर सामी ये को वटेरे वास्ते या को भैया मुनीर सामी हिंदे हप्पा 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 सीमा मार वो जा ये मुनी होए शहजादा यमन हातिम बिन ताई। हातिम ताई हे वल्ला ट्वेंडे ट्वेंडे वन बाय वन वाको ट्वेंडे ट्वेंडे ट्वेंडे। उमरू क्या है कौन है किधर? अगर तू वक्त पे ना आता तो आप दोनों जन्नत मकानी और कुरान खानी हो जाते। कहते हैं एक खोटा सिक्का नालायक बेटा कभी ना कभी काम आ ही जाता है। उमरू मैं वादा करता हूँ कि आज से तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। आखा बस मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह दे और बंदा ले। ट्विंडे ट्विंडे नहीं नहीं चलिए 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 आखा शाबरजुक शहंशाह यमन खुशामदे ये क्या? अपनी गुनाहगार जिंदगी को सजा दे रहा हूं। शायद मेरे पाक परवरदिगार को मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे माफ कर दे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये आ भी नहीं सकती। ये एक नहायत ही दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर पत्थर का कलेजा फट जाए। क्या आप सुना सकते हैं? जरूर आइए मेरे साथ। बेटी बेटी आप इस बेजुबान और खामोश बुत को देख रहे हैं? किसी फनकार ने बहुत खूबसूरत तराशा है। नहीं इसे किसी फनकार ने नहीं तराशा है बल्कि उसने बनाया है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। यह एक बहुत हसीन परिजात थी जिसका नाम गुलनार था। मगर यह सब किस तरह हुआ? यह एक अजीब वाकया है। एक रात जब मैं इबादत कर रहा था मेरी आवाज में वो दर्द था कि दरिया की रवानी रुक जाए। मुझे नींद आ गई और मैं सो गया।
आवाज के साथ मैं जाग उठा। एक हसीन परी मेरी आंखों के सामने थी, उसे देखकर मैं अपने होश व हवास में न रहा। दिल ने चाहा एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपनी आगोश में ले लूं। परी डर के मारे पीछे हटने लगी और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी कश्मकश में मैंने उसे पकड़ लिया। ऐ आदमजात, तूने एक परी को बदनीयती से छुआ है, इसलिए इसलिए मेरा यह हाल हुआ। लेकिन लेकिन याद रख बदनजर, तू भी कभी खुश नहीं रहेगा। रहम परिजात, रहम। गुलनार की बददुआ है कि जब तेरी बेटी किसी से शादी करेगी तो वो भी मेरी तरह पत्थर की बन जाएगी। नहीं नहीं परिजात, ऐसा ना कहो, मुझे माफ कर दो। टूटे हुए दिल की बददुआ पूरी हो के रहेगी। या खुदा, अब जान बस यही वजह है कि मैं अपनी प्यारी बेटी की शादी किसी से नहीं कर सकता। मगर आपने इस बद्दुआ से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने क्या नहीं किया शहजादे, दुनिया भर के मशहूर नजूमियों को बुलवाया और उन्होंने मुझे एक ही रास्ता बताया। कौन सा रास्ता? वो देखो, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर दरिया में डाल, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सच्चे को हमेशा राहत है, कोहे निदा की खबर, मुर्गावी के अंडे के बराबर का मोती, अमाम बादगर्द की खबर। नजूमियों ने कहा था कि इन सात सवालों का जवाब मिलने पर पत्थर की जगह गुलनार परी अपनी असली सूरत में आ जाएगी और फिर मेरी बेटी का गम दूर हो जाएगा। तो मैं इन सात सवालों का जवाब लाने के लिए तैयार हूं। बेटी, लेकिन शहजादा यमन, आप ये जानते हैं कि आपको इस सफर में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? कश्तियां सभी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। मरहबा हातिम, मरहबा। बादशाह सलामत, जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। कहो कहो हातिम, हम हर कीमत पर पूरी करेंगे। जब तक मैं वापस ना आऊं, शहजादा मुनीशामी आपके मेहमान रहेंगे। जहे नसीब, अगर मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे सफर में कामयाब कर दिया तो शहजादी की शादी मुझसे नहीं बल्कि आखा खामखा, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? उम्रो, तुझसे नहीं बल्कि मेरे दोस्त मुनि शामी से होगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा शहजादे। अच्छा तो फिर हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। चलो उम्रो। आखा आप इन सात सवालों को पूरा करके आइए, मैं आपको यही मिलूंगा, जगह बहुत अच्छी है। हमेशा मेरे साथ रहोगे आखा?
अल्लाह दे और बंदा ले, मुसीबत अकेले नहीं आती और दुल्हन अकेली नहीं जाती। चलो आका। उम्रो, इतनी दूर चलने के बाद में भी अभी तक मंजिल का कोई पता नहीं। आका, अभी तो पहले ही सवाल है, 7 सवाल पूरे होने तक अपने माँ बाप का नामो निशान भी याद नहीं रहेगा। अजीब करिश्मा है। आखा, कहाँ सुना, माफ कर दीजिए। यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे दूध बख्शवाना पड़े। आखा, वो मार रही है। वो क्या? आख। आखा, मैं सच कहता हूँ, जूते चप्पलों की मार बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आग की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखा, मैं जा रहा हूँ, मैं चला। उम्रो, आम के आम और गुटलियों के दाम। आखा, ये कौन सा दरख्त है जहाँ परियां पैदा होती है? या मुजाहिरुल अजायब, सर हाजिर और धड़ गायब। आने वाले आप जा आराम से, मैं तो तेरी मुंतजर हूँ शाम से। वाह 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 वाह। आखा, ये तो मुशारा पड़ रही है, अगर आप हुकुम दें तो एक कदम मैं भी चिटका दूं। उम्रो, हे आखा, मैं तो मर मिटा। बेवफा, तुझको पुकारेंगे जमाने वाले, ना चुरा आँख मेरे दिल को चुराने वाले। वाह 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 वाह। आखा, मेरी माँ कहती थी मेरी शादी जरूर किसी परी से होगी। हाय, आखा, वो तो आँख मार के चले गए। आखा, मुझे मत रोको, मुझसे रहा नहीं जाता। आखा, उम्रो, नहीं आखा, मुझे जाने दो। रुक जा। अरे, we'll be right back.
जान न दूंगी ओ मेरे जानी राहत सुकून नजरों को दोनों आलम पे तेरा साया है हुस्न इजाद करने वाले ने कुछ समझ कर तुझे बनाया है वाह 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 क्या मेरे हुस्न की तारीफ हुई है वाह वाह सुभान अल्लाह तेरे हुस्न का तीर और गाने का जादू मेरे दिल पे कोई असर नहीं करेगा। आदम साहब, ये तुम्हारा वहम है। जब हुस्न दावत देता है, तो ईमान पर आंच आ ही जाती है। हातिम का ईमान इतना कमजोर नहीं। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। खुदा? ये खुदा क्या होता है? खुदा, वो जिसने मुझे, तुम्हें और इस पूरी कायनात को पैदा किया, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ। नामुमकिन है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? शहजादा उमर अय्यार। अय्यार? तुम्हारा ताबेदार। यानी कि तुम आदमजात हो? नहीं तो क्या बंदरजात हूँ? देखो अभी मैं इस तख्त पर बैठ के बतलाता हूँ शहजादा लगता हूँ या नहीं मैं तो बैठूंगा नहीं नहीं नहीं, नहीं आदमजात ऐसा मत कीजिए क्यों इसलिए कि इस तख्त पे बैठने के बाद आदमी अपना होश खो बैठता फिर मलिक अपनी हबस की आग बुझाकर उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देती है या अल्लाह भागो मैं तो मारा गया आइए आइए ना आइए तशरीफ लाइए बैठिए मेरे मेहमान क्या ये भी कोई इम्तिहान है नहीं ये यहाँ की रस्म है हातिम रस्म
कौन सी ताकत मुझे खींच रही है? अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। तुम मेरे गुलाम हो। गुलाम हो। आओ आओ ना। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। या खुदा इस मकर फरेब के चाल को तोड़ दे, तोड़ दे। रहम कर अपने ना अंदाजे करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। मुझे माफ कर दो हातिम, तुम पहले इंसान हो जो मेरी हवस का शिकार ना हो सके। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। निहाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नहीं नहीं निहाल, हवस को अपने दिल से निकाल दो। खुदा के इस नेक बंदे ने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है। आज से तुम भी मेरी तरह अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ। मलका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो कुछ तुम सुन रहे हो वो सच है मेरे दोस्त। हवस एक ऐसी प्यास है जो बुझाने से और बढ़ती है। आखिर अंजाम ये होता है कि खुद तो बुझती नहीं बल्कि बुझाने वाले को जलाकर खाक कर देती है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। आखा, ये तो अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। शुक्र है मालिक का। देखो परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी तो गुलनार परी में जान आ गई। गुलनार, तेरा धड़ असली हालत में क्यों नहीं आता? मालूम होता है जैसे जैसे जवाब मिलते जाएंगे गुलनार परी अपनी असली हालत में आती जाएगी। अल्लाह दे और बंदा ले। आफा, इतना पैदल तो मेरे खानदान में कोई नहीं चला।
आखा, जूते ने दम तोड़ दिया और पेट ने हिम्मत छोड़ दी। उम्रो, आखा, खुदा पे भरोसा रखो। वो तो है ही आखा, बड़ी भूख लगी है। भारी पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि आठवां सवाल हम बन जाएं। वापिस चलो आखा। देख क्या हो रहा। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, अल्लाह दे और बंदा ले। कौन? गुलनार परी? गुलनार परी, आखा मैं आपका खादिम उमर अय्यार हूँ। चुप रह, मैं तुमसे नहीं इनसे पूछ रहा हूँ। इनसे? किन से? न परी है न परा है, सूखा सूखा दर्द खड़ा है। आखा यहाँ तो कोई भी नहीं है। उमरू जरा आंखें खोल के तो देख। आंखें? आखा गुलनार परी, ये तो पत्थर से परी बन गई है, मुसीबत से छूटे। चलो घर चले। मैं गुलनार परी नहीं, उसकी हमशक्ल बहन हुस्ना परी हूं। जब से वो पत्थर बनी है मुझे उसकी जुदाई का बहुत गम है। तो मरे। आखा सुनो, आखा इनके भी 7 सवाल पूरे करने पड़े तो हम भी 1 सवाल बन जाएंगे। निकल चलो। खामोश। हुस्ना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी बहन गुलनार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। सच? हाँ। अल्लाह दे और बंदा ले। आखा आप तो बरसों रोजा रख सकते हैं, यहाँ तो खादिम के पेट में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं। अच्छा है? तो लो। आखा बड़ी भूख लगी, चलिए ना, चलिए। बाबा बाबा, आखा अल्लाह दे और बंदा ले। हुस्ना आखिर ये सब क्या राज है? आइए मेरे साथ। ये सब मेरे लिए? दलेर अजलबी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? कौन नहीं जानता मेरे आखा को, फरमा रवाए यमन हातिम बिन ताई। कौन? सखे हातिम। जाहे नसीब, फरमाइए मैं क्या खिदमत करूँ आपकी। मगर आप शक्ल और सूरत से खुद सवाली मालूम होते हैं। मगर आखा तलवार खूब चलाता है, तारीफ आपकी। मैं एक जमाने में बहुत बड़ा डाकू था। आखा शरीफ आदमी पिट गए और ये डाकू बच गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ो आखा। तो बाज नहीं आएगा? माफ कीजिए, इस बात का बुरा मत मानिए। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, माफ करने वाला तो वो है, मगर वो लोग कौन थे और आप इस वीराने में क्यों? जिसे आप वीराना कहते हैं, कभी यही जगह अजीब और गरीब थी, यहाँ के हर आदमी पर मेरा हुक्म चलता था। मेरे मेरे आज हमने अमीर अब्दुल्ला का इतना बड़ा खजाना लूटा है कि जिंदगी भर के लिए काफी है। सरदार ये तो अच्छा हुआ कि आप ऐन मौके पर आ गए, वरना अमीर अब्दुल्ला के आदमी हमें आसानी से गिरफ्तार कर लेते। अब्दुल्ला, जेगम को गिरफ्तार करने के लिए इंसान तो क्या खुदा को भी जरूरत नहीं हो सकती। तो शाहजी करो। ये लीजिए सरदार। जाओ अब तुम लोग ऐश करो, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारी हुकूमत है, यहाँ की हर लड़की तुम्हारी कनीज है। ना जाने नीलम नदी की मछलियों में वो कौन सी कशिश थी कि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता था और हर रोज मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता था। एक दिन मैं गहरी नींद सो रहा था, मैंने अजीब और गरीब ख्वाब देखा, दो शैतान सूरत हस्तियों ने मुझे जगा कर उठाया और जबरदस्ती आसमान की तरफ ले गए। डाल दो इस जालिम नापाक इंसान को इस दोजख की आग में जो कयामत तक जलती रहेगी, ताकि इसके गुनाहों की सजा इसे मिलती रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे ठहरो। कौन नेकी? तुम और यहाँ? हाँ, दोजा क्या? इसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। क्यों? नीलम नदी में बसने वाली मछलियों से पूछो, जिनको ये हर रोज खाना खिलाता था, आज वही मछलियां तड़प तड़प कर खुदा के हुजूर में इसके गुनाहों की माफी मांग रही है। सच है, कब उसकी रहमत का दरिया जोश में आ जाए। ऐ इंसान, देखा ये इब्रत का मुकाम, अब भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, ले जाओ इसे इसकी हसीन दुनिया में। उसी दिन से मैंने डाके डालना छोड़ दिया और अल्लाह ताला की इबादत में जिंदगी बसर करने लगा। सरदार नमाज हो चुकी, अब मुसल्ला उठाइए, हारून का खजाना जा रहा है, अगर हाथ से निकल गया तो जिंदगी पर पछताते रहोगे। अब्दुल्ला, मैंने कितनी मर्तबा कहा कि अब मैं कभी डाके नहीं डालूंगा। ओ, ये बात है। तो फिर कान खोल कर सुन लो जेगम, आज से तुम हमारे सरदार नहीं। साथियों, मुंह क्या देखते हो, लूट लो यहां की एक एक चीज को, अब इन कीमती चीजों पर इस बुजदिल का कोई हक नहीं, लूट लो। तमाम चीजों को बुजदिल ले चलो। अल्लाह दे और बंदा ले, आखा नीलम नदी की मछलियों ने कमाल कर दिया। हाँ, आइए मैं आपको उन बेजवानों से मिलाऊं जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी में इनकलाब आया। चलिए चलिए चलिए।
नेकी कर दरिया में डाल। आपके बदौलत हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। माशाअल्लाह, हातिम ने दूसरे सवाल का भी जवाब पा लिया। अब्बा जान, देखिए गुलनार के पर असली हालत में आ गए। हातिम का अल्लाह निगेबान है। क्या हो गया? क्या भाई? अरे ये क्या मुसीबत, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मलका का हुक्म है कि जो भी हमारी सरहद में आ जाए उसे गिरफ्तार करके मलका के सामने पेश किया जाए। कौन मलका? मलका सलोमी। कौन हो तुम? आदमजात। यहाँ क्यों आए हो? आए नहीं, जबरदस्ती लाए गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आखा को हातिम बिन ताई कहते हैं और गुलाम इनका मशहूर चमचा उमर अय्यार। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं जो हमारी सरहद में कदम रखने की जुर्रत की? हमारा कानून तोड़ने वाले को मौत के आगोश में सुला दिया जाता है। जिंदगी खुदा की अमानत है और मौत पर किसी का अख्तियार नहीं। हातिम, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे अख्तियार में है। मलिका, ये तुम्हारा वहम है। हम इस वहम को अभी यकीन में बदल देंगे। तुमने हमारा कहर नहीं देखा। जिसने उसकी मेहरबानी देखी वो तुम्हारे कहर से हरगिज नहीं डरेगा। हातिम, तुम्हारे जैसे बहुत खुदा परस्त आए यहाँ, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी सामने आई तो मुंह फेर कर भाग गए और जो रह गए वो मिट गए। हातिम हर इम्तिहान के लिए तैयार है। अच्छी बात है। डाल दो आग में। आखा, मलिका से दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, वो हमको जरूर माफ करेगी। उमरो, जो हाथ उसके दरबार में उठे हैं इसके सामने कट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। ये आग तो क्या, मैं दुनिया के हर तूफान से गुजरने के लिए तैयार हूं उसके नाम पर। पड़े आग में जबके हजरत खली पुकारा उन्होंने के रब्बे जली करी आग बाड़ी को पल में हरी मेरी बार क्यों देर इतनी करी। जरूर ये कोई जादूगर है। जादू हमारे मजहब में हराम है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत हुस्न का जीता जागता शाहकार, संग मरमर की हसीन सूरत। नहीं, बदसूरती की वो निशानी जिसे देखते ही तुम कांप उठोगे, कांप उठोगे। मैं बहुत खुश हूं अपने खुदा की खुदाई को देखकर। और मैं तुम्हें देखकर। नहीं हुस्ना, मैं एक मामूली इंसान हूं,
नाचीज बंदा। हातिम, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो। तो फिर तुम ही बता दो ना, मैं क्या हूं। मेरा दिल तुम हो, मेरे दिल की तमन्ना तुम हो, मुझको दुनिया से गरज क्या, मेरी दुनिया तुम हो। जाने मोहब्बत जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। जाने मोहब्बत जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। तुमसे होना ही था, क्योंकि प्यार के काबिल तुम हो। मेरी किस्मत तुमने बदल दी, मुझको भी करार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान दम तक याद रहेगा, मुझको हर एहसान तुम्हारा। शम्मे वफा अब बुझ न सकेगी, मुझको एतबार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। जाने मोहब्बत जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है। प्यार निभाना भूल न जाना, ये मंजिल दुश्वार है। फी अमान अल्लाह हबीबी, फी अमान अल्लाह। फी अमान बताओ, वो कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम इस तरह नहीं बताओगे। आका, ये तो किसी नेक बंदे की पिटाई हो रही है। हा?
तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। क्या तुम देखना चाहते हो? जरूर। देखो अब क्यों नहीं देखते? तुम भी डर के मेरा चेहरा देखो। अब ये भी जान लो ये कैसे हुआ। एक दिन मैं शिकार खेलने गई, मैंने तीर चलाया, तीर रिश्ते के बच्चे को लगा, रिश्ते ने मुझे बद्दुआ दी और ये मेरी हालत हो गई। मेरे तमाम जिस्म में जहर ही जहर भर गया। लेकिन इसका इलाज? मेरी बदसूरती उस वक्त चली जाएगी जब कोई नेक इंसान मेरे जिस्म को जहर चूस ले। मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी नहीं लेना चाहती। आज तक जिसने भी ये कोशिश की वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मुझे तुमसे हमदर्दी है। Thank you.
माशाल्लाह। हाथी, तुमने तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। आज मैं बहुत खुश हूं। देखा मेरे खुदा का करिश्मा? बेशक बेशक। आदाब 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 अर्ज है। नजरों की छुरी जिस दिल पे चली उस दिल में कहां आदाब अर्ज है। Oh,
سلومی کا حسن دولت اور جوانی ہر چیز حاتم کی ہو چکی ہے دولت حسن جوانی سب ناپائیدار چیزیں ہیں سلومی مگر آپ یہ زندگی بے چین ہے تمہاری باہوں کے لیے حاتم کی باہیں کسی اور کے گلے کی زینت بن چکی ہیں کون ہے وہ حسنہ پری تو پھر میرا کیا ہوگا سلومی تم نے ایک ریشنی کی ممتا کا دل توڑا تو کیا حال ہوا تمہارا اب کسی کی محبت کو برباد کرو گی تو کیا گزرے گی تم پر تم ٹھیک کہتے ہو حاتم زندگی کا ہر خواب پورا نہیں ہوتا وہ دیکھو آقا یہ عبارت میں نے دنیا کی نصیحت کے لیے لکھ دی تھی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا آقا یہ تو اپنا تیسرا سوال بھی پورا ہو گیا شکر ہے مالک کا اداس کیوں ہوتے ہو گلنار سنہرے دن بہت جلد آنے والے ہنسو گلنار ہنسو ایک چاند آسمان پر ایک چاند ہے زمین پر دونوں کی روشنی میں کھو جاؤں میں یہیں پر حاتم کیا سوچ رہے ہو یہی کہ اگر تم نہ ملتی تو زندگی نامکمل ہوتی سچ پریزاد کو یقین دلانے کے لیے حاتم کون سی زبان لائے دل کی زبان دل کی بھی زبان ہوتی ہے سننا چاہتے ہو ہاں تو سنو آج کچھ ہونے والا ہے 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 یہ حسن شباب آج کچھ ہونے والا ہے آج کچھ ہونے والا ہے آج کچھ ہونے والا ہے بات ہے سن لیا یہ پیاری حسین زندگانی ہے ایک نئے طوفان کی نشانی آج کچھ ہونے والا ہے آج کچھ ہونے والا ہے آج کچھ ہونے والا ہے Yeah.
कुछ होने वाला है। सच्चे को हमेशा राहत है। मार और मार, लेकिन मैं हमेशा यही कहता रहूंगा, सच्चे को हमेशा राहत मेरा। ये क्या इलिस में होश हुआ मैं आदमजात? देखता हूं किसने अपनी मौत को पुकारा है। हमारी बेटी और आदमजात के साथ। ये क्या? हाँ ये क्या मुसीबत है? ये क्या हो गया? ये क्या करामात है? ये कौन सी जमात है? अब्बा जान, आप मुझे इस तरह कहर की नजरों से क्यों देख रहे हैं? क्या जुर्म किया है मैंने? परिजात होकर आदमजात से मोहब्बत। मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है? मैं हातिम से सच्ची मोहब्बत करती हूं और उसे शादी करना चाहती हूं। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन गुलनार आदमजात की दुनिया में पहुंचकर पत्थर की हो गई। लेकिन अब्बा जान, हातिम ने कसम खाई है कि वो गुलनार को आजाद करा देगा। हमें आदमजात पर बिल्कुल यकीन नहीं और हम तुम्हें इस काबिल नहीं रखेंगे कि तुम हातिम से मिल सको। अब्बा जान ने मुझे ये सजा दी है। किस बात की? आदमजात से मोहब्बत करने की। मोहब्बत करना जुर्म है क्या? नहीं। तो हम अब्बा जान से अभी आपको आजाद कर देंगे। क्यों आदमजात, देख लिया हमारी बेटी से मोहब्बत करने का अंजाम? अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ जबलून। इसकी गर्दन काट कर हमारी बेटी को भेज दी जाए ताकि भूल से भी किसी आदमजात का नाम उसकी जबान पर ना आ सके। मर गए, ये तो बड़े मोटे हैं। आखा, आगे मुसीबत। अगर सच्ची मोहब्बत की सजा तुम्हारे कानून में मौत हो सकती है तो शौक से मेरी गर्दन उड़ा दो। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी आंखों को क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे लखते जिगर, तुम ही तो मेरी आंखें हो बेटा। तुम लोग हमारा मुंह क्या देखते हो? खामोश क्यों? बोलो जवाब दो। हमें हमारे नूर नजर की आंखें चाहिए। हम हमारा ताज, तख्त, हुकूमत सब कुछ दे देंगे। सच्चे को हमेशा राहत है। अब्बा
मांगो, अरे मांगो खुदा से आंखें, जिसके दरबार से सब कुछ मिलता है, मांगो। क्या तेरा खुदा मेरे बेटे को दोबारा आंखें दे सकता है? जरूर, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता है। हातिम, मेरे बेटे को आंखें मिल जाए तो मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा, मेरे घर के चिराग को रोशन कर दो हातिम। रोशनी देने वाला वो है, मैं उसके हुजूर में इल्तिजा करता हूँ। हातिम की जंजीरें खोल दो। ए, ए, जल्दी करो, आखा छूट गए। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तू सुन ले सदा मेरी, सुन ले सदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। पे सवाली आया है और दामन खाली लाया है, हम छोड़ के तुझको जाए कहाँ, इस दिल की मुरादे पाए कहाँ। बदला है तेरा इंसान मगर तेरी भी नहीं पहली सी नजर, आहों में असर पैदा कर दे माबूद मेरे इतना कर दे। मैं बंदा तेरा तू मेरा खुदा, होगा ना कभी ये रिश्ता जुदा। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। शैतान की उस दम हार हुई जब नूह की कश्ती पार हुई, भूलेगा न इब्राहिम कभी जो आग वहीं गुलजार हुई। अय्यूब को बख्शा तूने सबर, इलियास पे थी एक तेरी नजर, होंठों पे तेरा जो नाम आया मुश्किल में सभी के काम आया। फरियाद हमारी सुन ले जरा, हमको न मिटा, हमको न मिटा। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। आंखों का उजाला छीन लिया, जीने का सहारा छीन लिया, क्यों लूट ली तूने इसकी खुशी, क्या तेरे लिए थी कोई कमी। ये सह न सकेगा तेरे सितम, मजबूर पे कर दे नजर करम, रहमत को तेरी अब जोश मिला, मासूम को दाता आंखें दिला, आंखें दिला, आंखें दिला, आंखें
मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। तुमको सब कुछ नजर आता है? हाँ, अब्बा जान, मैं देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। सच? हाँ। मेरा बेटा। बोलो हातिम, हम हीरे जवाहरात से तुम्हारा मुंह भर देंगे। हातिम के खुदा ने हातिम को सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक चीज की कमी है। वो क्या बेटा? उसने तो पिंजरे से छुड़ाई है ना। हुस्ना आपा, हुस्ना आपा। हम अपनी बेटी हुस्ना को अभी आजाद कर देते हैं। आजाद? चलिए। अब्बा जान, अब्बा जान, आप को रिहा कर दो ना। अच्छा। आओ बेटा। हुस्ना जी, आदमजात से मोहब्बत करने के लिए परिजात को अपने पर कुर्बान करने पड़ते हैं। अब्बा जान, मैं इसको बानी के लिए तैयार हूँ। हातिम, हम बखुशी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। शादी? हाँ। अब्बा की शादी होगी, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, अब्बा की शादी। लेकिन शहंशाह परिजात, मैं शादी उस वक्त करूंगा जब मैं सातों सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि मैं शाह बरजुक को कॉल दे चुका हूँ। वाकई तुम कॉल के पक्के और ईमान के सच्चे हो। आज हमें पूरा यकीन हो गया कि सच्चे को हमेशा राहत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चौथे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब्बा जान, हातिम ने चौथे सवाल का जवाब भी पा लिया। हाँ, न जाने अब वो कहाँ होगा। होगा कहाँ? अब वो पांचवें साल की तैयारी कर रहा होगा। ये क्या हो रहा है? मातम आका, ऐसा पता है कोई मर गया। चलो जरा देखें, अल्लाह दे और बंदा दे। क्या वो जिंदा हो गया? अरे इधर भी क्या हुआ? जिंदा मर गए। हाय जिंदा मर गए। हाय ये क्या हो रहा है आका? ये भी यहाँ की कोई रस्म है, आप भी साथ में कहिए जिंदा मर गए। हाय हाय खामोश। या आमिर, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये माजरा क्या है? अजनबी वो देखो, एक तरफ दुल्हन और दूसरी तरफ मातम, खुदा के लिए कुछ तो समझाइए मुझे। तुम नहीं जानते अजनबी, हमारी आंखों से देखो, जो लड़की दुल्हन बनाई जा रही है, ये हमारी आंखों की रोशनी, नूरे नजर, इकलौती बेटी फर्जा, इसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? वो देखो सामने, वहां इरफान नाम का एक जिन रहता है, जो हर महीने की 13 तारीख को एक भयंकर चिंगार मारता है, जिससे पूरी बस्ती लरज उठती है। फिर वो कुंवारी लड़की की कुर्बानी मांगता है। न मालूम कितनी मासूम लड़कियां उसकी बहन चढ़ चुकी। अजनबी, इस मर्तबा मेरी बेटी परदाना की बारी है। लेकिन आप लोग इसे मार क्यों नहीं डालते? जिसने भी ये कोशिश की वो आज तक वापस नहीं आया। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं मानता। अमरू आका, तुम दुल्हन बन जाओ। आका, आप जल्दी में उल्टा कह गए। नहीं, तुम दुल्हन के कपड़े पहन लो। आका, कपड़े अगर पहन लिए तो निकाह हराम हो जाएगा, एक बार फिर सोच लीजिए। बको मत, ये हमारा हुक्म है। आका समझ गया तरकीब।
मैं दुल्हन और आप दूल्हा। लो लो ये क्या? वो कुर्बानी मांग रहा है। कुर्बानी दे दो दे दो दे दो। मेरी नहीं तुम्हारी। मेरी मेरी मांग रहा है। मेरी लेके क्या करेगा? अरे तेरा क्या भला होगा? वो देखो उस बोतल में जाफरान की रूह है जिसे पीकर ये जिन बदमस्त हो जाता है और फिर दूल्हा दुल्हन की कुर्बानी देनी पड़ती है। इंशाल्लाह हातिम के होते हुए ये कुर्बानी कभी नहीं होगी। हातिम शहजादा यमन हातिम ताई। अब हमें यकीन है कि हमारी सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उमरो इधर आओ। आखा। मत घबराओ उमरो, खुदा हमारे साथ है। आखा, बुलावा आ गया, अब क्या होगा? वो देखो सब इंतजाम हो चुका है। आखा, बोतल और कटोरे। बोतल मैं लेता हूँ, कटोरे आप लीजिए। चलिए आखा चलिए। अरे बस आई बड़ा को टाल तू। साहेब कमाल तू, आई भला को टाल तू। कहा है वो खटमल की औलाद? आ गई, आ गई मेरी खुराक। आखा ये तो कहानियां है, इसकी तो एक दुकान बिल्कुल बंद है। उमरो अरे तेरों गुड़गा निकले। आहा कहां से घुस के कहां आ गए? उमरो जल्दी कर, जल्दी पिलाओ। आए पीले मेरे बाप, मैं तेरा सखे। हाय हाय पियो मेरे बाप पियो। बुलाओ और पिलाओ। नाचो गाओ मेरा दिल बहलाओ। आखा इसका बहलाना पड़ेगा दिल। गाओ गाओ गाओ। आप मुझे अच्छे लगने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे। आप मुझे लुच्चे लगने लगे। आप मुझे लुच्चे लगने लगे। वाह अरे हमको देखो चेहरा ना देखो। हमको देखो चेहरा ना देखो। चेहरे ने तुम ही को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा छोटा। दिल सच्चा और चेहरा छोटा। वाह आ लौट के आजा मेरी माँ। तुझे मेरा बाप बुलाता है। लौट के आजा मेरी माँ। तुझे मेरा बाप बुलाता है। मेरी माँ।
तबीयत खराब हो गई। खूब, बहुत खूब। तुम्हें हमारा नाच गाना पसंद आया? बहुत पसंद आया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर हमें भी खुश कर दो। मांगो मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें? वो जो तुम्हारे पास अंगूठी है वो हमें दे दो। ये अंगूठी? जब तक ये अंगूठी मेरे पास है मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। हाँ झूठ, इस मामूली अंगूठी में रखा ही क्या है? क्या आका, आप यकीन कर लीजिए ये झूठ कभी नहीं बोलता। कैसे यकीन कर लूं? खूब, बहुत खूब। अरे वाह, जिनों के बादशाह तुम इतने बड़े और इतने छोटे से पहाड़ में। अरे पहाड़ तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो हजार बरस इस बोतल में बंद रहा। इतना बड़ा जिन और इतनी छोटी सी बोतल में? तुझे यकीन नहीं आता? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। यकीन कीजिए आका, ये सच्चा है। झूठ, सरासर झूठ। क्या सबूत है इसके पास? सबूत मैं बताता हूँ, लाओ वो बोतल। जरा खरा, मुझे नीचे उतर जाने दो। लाओ वो बोतल। शहंशाह, अब अपना कमाल दिखाई दो। अच्छा, आखा आखा, ये आपने क्या किया? उमरू, अब मजा देखो। अब तो यकीन आया। यकीन उस वक्त आएगा जब तुम ये अंगूठी हमें दे दोगे। अंगूठी कभी नहीं दूंगा। अंगूठी दे दो, जान बच जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं दूंगा। मान जाओ, ये अंगूठी दे दो। अगर तुम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें ये अंगूठी वापस कर देंगे। सच? ये हातिम का वादा है। अच्छा, तो अब मैं तुम पर यकीन करता हूँ। ये अंगूठी। आखा, माल आ रहा है। अरे उमरू, धोखा, फरेब। नहीं उमरू, इसे आजाद कर दो। जो हुक्म आका। गुलाम हाजिर है आका। उमरू, बस्ती के लोगों को खबर कर दो आज इस बला से निजात पाली। जो हुकुम आका। बस्ती के लोगों, खुशियां मनाओ, नाचो और गाओ। लेकिन हमें कैसे यकीन आए, आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया। देखो मैं तो आ गया हूँ, मगर हातिम कहाँ है? हैरो, सखी आतम तशरीफ लाते हैं। घबराओ नहीं, ये हमारा गुलाम है, ये हमारे कब्जे में है। आ खुशियाँ मनाओ, ये हमारा गुलाम है। भाइयों, खुशियाँ मनाओ, आज से आप लोग इस बला से आजाद हो गए। हातिम ताई, हातिम ताई। चलिए मेरे आका, आप जहाँ चाहे पहुँचा दूँ। कोहे निदा की खबर आज से खत्म हो चुकी। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब छठे सवाल के जवाब का इंतजार है। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। इरफान चाचा, जरा संभाल के उड़ना, अरे ऐसा ना हो के फुट से हम ना उड़ जाए। अरे मेरे पाप के छोटे भाई, तुम तो हंस रहे हो और हमारी जान जा रही है। घबराओ नहीं। अरे मैं कहाँ घबरा रहा हूँ आका। अरे
वाह चाचा जियो, क्या क्या दिखा रहे हो। रे, 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 आका ये वही जगह है जहाँ मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती है। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती? हाँ। तो फिर हमें यही उतार दो। हाँ हाँ उतार दो। बहुत अच्छा, बैठ जाओ संभाल के, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अब और क्या हुक्म है आका? ये लो अपनी अंगूठी। हातिम किसी को गुलाम बनाना पसंद नहीं करता। शुक्रिया आका, मैं भी वादा करता हूँ कि आज से किसी आदमजात को नहीं सताऊंगा। जाओ, आज से तुम आजाद हो गए। चाचा छूट गए, मजे करो। अरे इधर नहीं। चलो आका। आधा बजे उमरू चलो मेरे साथ। आका आप अंदर जाइए, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो फिर तुम यहीं बैठो। आका खुदा के नेक बंदे, ये आग तुम्हें हरगिज ना जला सकेगी। हातिम, मैं 200 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्यों? वो देखो। अगर ये मोती मुझे ला दोगे तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर ला दूंगा।
मरहबा हातिम, मरहबा। अब ये मोती तोड़ दो। आखिर क्यों? इस तिलस्मी मोती के लालच में बहुत से इंसान धोखा खाकर बर्बाद हो गए, जैसे कि हम। मैं फिर कहता हूं हातिम, ये मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती तोड़ दो। तोड़ दो हातिम, तोड़ दो। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती, ये तो मेरा छठा सवाल का जवाब है। या खुदा, हातिम की मदद। हंसले कमलाक, खूब हंसले, अब तेरा वक्त करीब आ गया है। क्या वक्त है बेवकूफ, मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तू जानता है मेरी मौत तुझ में है और ये राज किसी को नहीं मालूम। लेकिन हातिम ने 6 सवाल पूरे कर लिए हैं, अब वो 7वें सवाल के लिए तेरी मौत बनकर हमाम बादगढ़ की खबर लेने आ रहा है। हातिम ने अभी कमलाक की ताकत नहीं देखी है। अल मुरहतम, कमबख्त, अगर मेरी जान तुझ में ना होती तो अभी तेरी गर्दन मरोड़ देता है। खुशी मिली, दिलकशी मिली, जिंदगी।
हुजूर, ये अजनबी बिना इजाजत हमारी सरहद में घूम रहे थे। कौन हो तुम? हातिम बिन ताई। हातिम बिन ताई, तुम्हें ही सातवें सवाल का जवाब चाहिए? जवाब नहीं, तुम्हारा बिल्कुल ठीक पहचाना। तो फिर समझ लो, तुम्हारी मौत ही तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। अबे जा जा, अगर हमारी तुरतुर परी यहाँ आ जाए तो तेरी जादूगरी भुरभुर हो जाए। कौन है वो परी? वो परी लाजवाब है, आफताब है, महताब है, मेरे आका की महबूबा, यानी कि होने वाली मलिका। परस्तान की सबसे ज्यादा खूबसूरत परियां मेरे कब्जे में है, वो देखो। इनमें तो हुस्ना परी है ही नहीं। हुस्ना परी? हाँ, एक वही खूबसूरत परी है जो आज तक मेरे हाथों में नहीं आई, लेकिन अब उसे खुद ब खुद यहां चलकर आना पड़ेगा। ले जाओ इन्हें और डाल दो जिंदान में। तेरी तस्वीर ख्यालों में बसी रहती है, इस तरह दिल की लगी आग लगी रहती है। कौन हो तुम? कमलाक जादूगर को कौन नहीं जानता? यहाँ क्यों आए हो? जाने मन, परवाना कभी शमा से दूर हो सकता है? जाओ, कोई और शमा तलाश करो। मैं हातिम की हो चुकी हूँ। हातिम की हो चुकी हूँ तो देख अपनी आंखों से वो मंजर, जिसे देखकर तेरी रूह भी कांप उठेगी। अल मुरहतम। जादू नहीं, हकीकत है। हातिम की रिहाई चाहती हो तो मेरी मलका बनना कबूल करो। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। शहजादा हातिम कमलाक जादूगर के कब्जे में, मैं उनकी मदद के लिए जा रही हूँ। नहीं,
हातिम, कहो कि लग रही है उस नापरी की मोहब्बत? जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत, तेरे सितम से ज्यादा ताकतवर। नादान, हुस्ना को तुम पर रहम ना आया। मैंने शर्त रखी थी, अगर वो मेरी मोहब्बत कबूल कर ले तो मैं तुम दोनों को रिहा कर दूंगा। मोहब्बत खरीदी नहीं जाती कमलाख। खामोश, जल्ला दाम सलाह ले आओ। हातिम, ये दहकती भी सलाह है तुम्हारी, आंखें छीन लेंगे। तू आंखें छीन सकता है लेकिन मोहब्बत का नूर नहीं छीन सकता। अरे मोटे, ये गरम गरम सलाखे क्यों ला रहे हो शैतान? हम लोग को सीख कबाब है जो भून रहे हो। हुस्ना, तुम यहाँ क्यों आई? शमा कभी परवाने से दूर रह सकती है हातिम? मेरी वजह से ये सब जुल्म हो रहा है तुम पर। छोड़ दे कमला, छोड़ दे इन्हें। उसी शर्त पर। ये नामुमकिन है। ये आखिरी सहारा तुर 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 था, ये भी जल के भुरभुर भुरभुर हो गया। जाने मन, हम आम बात घर में सिर्फ कमलाख का जादू चलता है। बोल, मेरी मोहब्बत मंजूर है या हातिम की आंखें? हुस्ना, मेरी आंखें चली भी जाए तो मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से देख लूंगा। तुम इस मक्कार की चाल में ना आना। हुस्ना, कमलाख फैसला चाहता है, हातिम की जिंदगी या मेरी मोहब्बत। की जिंदगी। हुस्ना, Thank you.
तोता पिंजरे में, पिंजरे से बाहर खंजर, तोते को मारा, आदमी मर गया, समझ गया। तोते में ही कमलाख की जान है। Thank you.
खुदा मदद। बेटी एक बार फिर सोच लो, परिजात के लिए उसके पर सबसे बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर कोई अजमत नहीं। अब्बा जान, जो अजमत सच्ची मोहब्बत में होती है वो किसी और नेमत में नहीं। अल मदद, इश्क हकीकी अल मदद। जला दो इसके पर। जो इश्क की आग में जलते हैं अंगारों से कब डरते हैं, उल्फत के प्यारे जलवों में परिजादों के पर जलते हैं। अल्लाह की कसम इस जलने में इंसान ही फूलते फलते हैं। अब्बा जान। बेटी मोहब्बत सलामत रहे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अब हमें जल्द से जल्द शामी बाग पहुंचना है। हुस्ना, तुम्हारी बहन गुलनार वहां इंतजार करती होगी। अल्लाह दे और बंदा ले और मेरा मेरी गुलबदन। चलो दनादन, चलो अमान अल्लाह।